दरअसल जब मैं उस्ताद जावेद को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, मैंने मां मानूर के शौहर को देखा। ये सब कुछ हो क्या रहा है? चौकीदार गायब है, गेट को ताला लगा हुआ है, सबके नंबर भी बंद है। मम्मी, उस दिन जब मैं उस्ताद जावेद को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो मैंने खुद वहां पे उमर और सलामा को देखा और वाजे तौर पे नजर आ रहा था कि वो लोग कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं। आई मीन, अब आप खुद बताएं कि ऐसे सूरत हाल में कैसा जमाना आ गया है? मुझे तो इन बातों का बिल्कुल यकीन नहीं है। मानो तुम्हारे पास समामा का नंबर है, प्लीज मुझे दो, मैं खुद उससे बात करके देखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। आशा मानूर बेटा, समामा का नंबर दो, शायद इस तरीके से ये कोई मदद कर सके तुम्हारी। मेरी मेरी खातिर, मेरी बात मान। ये है नंबर। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। नंबर ऑफ चार। तुम्हारे पास उसके घर का एड्रेस है, तुम्हें पता है वो रहती कहाँ है? नहीं मालूम मुझे समामा का एड्रेस। जिस बात का डर था वही। ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अमी, इसलिए क्योंकि सिर्फ समामा ये जो हमें उमर के बारे में कुछ बता सकती थी, और अगर सच पूछे तो मुझे ये लगता है कि समामा और उमर दोनों ही इस मामले में बराबर के शरीक हैं। आप अभी तक जाग रही हैं? जी भाई, वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो मैं पढ़ रही थी, बाहर देखा तो आप बैठे हुए थे, मुझे लगा शायद आपको चाय की जरूरत होगी, इसलिए आपके लिए चाय बना के ले आई। अरे वाह भाई, यकीन जाने इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही थी। बहुत शुक्रिया। भाई जान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल काम का बोझ ज्यादा, इसलिए थकन हो जाती है। और वैसे भी इंसान की जिंदगी में परेशानियां वक्ती होती हैं, और जिसके पास आप जैसी प्यारी और अपने भाई का इतना ख्याल रखने वाली बहन मौजूद हो, उसे भला परेशान होने की क्या जरूरत है? भाईजान, मैं आपके काम में कोई मदद कर दूं? बिल्कुल नहीं। इस वक्त आप अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखिए, याद है ना? अम्मी और अब्बा की ख्वाहिश थी कि आप पढ़ लिख कर खूब कामयाब। जी भाईजान, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अम्मी और अब्बा का ख्वाब पूरा करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, अब आप जाकर सो जाइए, हम भी बस थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके उठने वाले। हमने तो सोचा था कि आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, और आप है कि हमें भेज रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है भाई, हम अपनी बहन के साथ चाय पियेंगे, काम तो होता रहे। ये चाय कैसी बनी है? आपने चाय बनाई और अच्छी ना हो ऐसा कैसे हो सकता? ये बकवास की भी कैसे तुमने आशिर? समामा और उमर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम सिर्फ मेरा दिल खराब करना चाहते हो उमर से। एक बार पहले भी मुझसे झूठ बोला था कि समामा और उमर दोनों मिलके ना मुझे धोखा दे रहे। उस वक्त भी मैंने तुम्हारी इस घटिया बातों पे कोई यकीन नहीं किया था, और अब भी नहीं करूंगी। हाँ देखे ना खाला कैसी बातें कर रही है। मानूर प्लीज,
मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, इतने सच्चे हो ना तो फिर उमर पे लगाए हुए इल्जाम का सबूत दे दो मुझे। क्या हुआ? लग गई ना जो? देखे खाला, हो गया ये जो। मैं आप लोगों को बता रही, उमर कल तक वापस आ जाएंगे। हाँ, वो जहां कहीं भी होंगे ना, वो कल तक लौट कर मेरे पास आ जाएंगे। हमारी फ्लाइट है ना कल की, हम अमेरिका जा रहे हैं। मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ आप लोगों से, आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास उमर की पिक्स तो है ना? कोई एक तस्वीर? ढेर सारी पिक्चर्स है मेरे पास। उमर को तो हर मौके पर मेरी तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। लेकिन तुम इनकी तस्वीरें क्यों मांग रहे हो? हमें इसलिए क्योंकि जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है तो तस्वीरों से मदद मिलेगी ना। अच्छा, तो मैं ना तुम्हारी ये आखिरी हसरत भी पूरी कर देती हूँ। ये देख लो मेरी तस्वीर। इसमें तो सिर्फ हमारी सोलो पिक्स हैं, I mean, उमर की तो कोई पिक ही नहीं है इसमें। क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद देख लो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ कहीं सारी तस्वीरें? इसमें तो एक भी तस्वीर नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ खाला, आशर आई स्वेयर, मैंने सारी तस्वीरें खुद सेव की थी। मैं भी देखती हूँ। अच्छा चलो, इसमें नहीं है तो तुम्हारी शादी की एल्बम्स तो होंगी ना, उसमें तुम्हारी ढेरों तस्वीरें पड़ी होंगी। हाँ जी खाला, सारी एल्बम्स मेरे कमरे में रखी हुई है। अच्छा, कहाँ चल गए? खाला ये भी है, ये भी देखें। तस्वीर मिली या नहीं? भाई इसमें तो कोई भी तस्वीर नहीं है उन लोगों की। हाँ? खाला ये तो खाली है। हैं? अल्लाह खैर, ये सब क्या हो रहा है भाई, क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन सारी तस्वीरों में या तो हम हैं या हमारी रिश्तेदार हैं। गौहर आंटी, उमर, रानी कोई मौजूद नहीं है। अच्छा प्लीज, आप लोग परेशान ना हो, अभी खालू आते हैं तो मैं उनसे मशवरा लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे से, मेरे घर से मेरी तस्वीरें कहाँ जा सकती हैं? कुछ समझ। मानूर बेटा बेटा संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आशिर पानी लेके आओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा संभालो अपने आप को, ठीक हो जाएगा सब। ये तो वही बात हो गई, रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। आशय भाई उनकी भलाई के लिए बात कर रहे थे, आपको उनसे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ऐसा ना हो कि कल को हम ही फंस जाएं। मैं चुपचाप मानूर और उसके घर वालों की तबाही का तमाशा नहीं देख सकता। काश कि मानूर मेरी बात पर यकीन कर लेती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी भी पॉजिटिवली सोच रहा हूँ। हो सकता है उसका शौहर वापस आ जाए। मैं तो जब से वहां से वापस आई हूँ मानूर के शौहर और उसके ससुराल वालों के बारे में सोच रही हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई ये सोच सोच के उसकी हालत अजीब सी हो गई। बच्ची बिल्कुल पागल हो जैसी हो गई। मेरे ख्याल से तो खालू को फौरन पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। वो तो करवाएंगे, खामोश थोड़ी बैठे रहेंगे। वैसे खाला के सामने ना उनके बड़े बड़े बोल बहुत जल्दी सामने आ रहे। अदीना बेटा, किसी की तकलीफ और दुख में खुश नहीं होते, बुरी बात। हाँ, चाहे दूसरे हमारी बर्बादी पर भंगड़े क्यों ना डालें, आप कैसे इतनी जल्दी उनके हाथों अपनी बनाई गई दुर्गत भूल सकती हैं? और ये तो भाग भाग के उनके घर ऐसे जा रहे हैं जैसे इनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो उनका। अगर मैं भी उनकी तरह वही सुलूक उनके साथ करूं तो मुझ में और उनमें
क्या फर्क रह जाएगा? और देखो बेटा, मुश्किल में ना हमेशा अपनों का जो दिलासा होता है वो ढारस बनवा देता है। तुम अगर जाके मानूल की हालत देखोगी ना तो तुम्हारा दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। समझ नहीं आती कि इस बेचारी के साथ आगे क्या होने वाला है। भाभी आप, वक्त देखा है तुमने? ये कोई टाइम है सोने का? और ये क्या तरीका है महारानियों की तरह सारा दिन सोते रहना? उठो। वो भाभी, हमारी तबीयत रात को बहुत खराब थी और आपको पता है कि हम इधर तक सोते नहीं। और ये देखो जरा, इतनी गर्मी में चादर लपेट कर कौन सोता है? भाभी हमें बहुत ठंड लग रही है, शायद बुखार की वजह से। पता नहीं भाई, सर्दी लग रही है क्या हो रहा है? और ये देखो जरा, खुद तुम सो रही हो और पूरे कमरे की लाइटें जल रही हैं। फिर जब बिल आएगा तो अदा कौन करेगा? मेरा शौहर। तो बेचारा इस घर की जिम्मेदारियां उठा उठा के आधा हो गया। सॉरी भाभी, हमारा ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान जाना चाहिए ना, दुश्मन नहीं है तुम्हारा, भाई है सगा, कुछ ख्याल करो उसका। और अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, उठ के कुछ खाओ पियो, फिर घर के इतने सारे काम है जो तुमने करने हैं। उठो भाभी। और हाँ, उठ जाना, ये ना हो कि जब मैं बाद में भी आऊं तो तुम मुझे तुम उठी और इस चादर से निकली भी नजर आओ। क्या हो जाता है महारानी को, दिमाग खराब करके रखती है। चाय फिर थोड़ी गिर गई है। उमर प्लीज मेरे लिए एक मेड का इंतजाम कर दो, मुझसे ये चाय वाय नहीं बनती। तुम्हें पता है अपने डैड के घर में मैंने खुद उठकर पानी तक नहीं पिया और यहाँ मुझे चाय के साथ बर्तन भी धोने पड़े। ये देखो मेरे हाथ कितने खराब हो गए। तुम्हारे हाथ आइंदा कभी खराब नहीं होने दो, ठीक है? और रही बात तुम्हारे प्रॉब्लम की, तो यार अभी दिन ही कितने हुए हमें यहाँ पर आए हुए। बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर आस पड़ोस में अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाओ, इस बहाने हमें पता चल जाएगा कि अच्छी मेड कौन सी। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तो मैं अकेली ही हुआ करूंगी, इससे मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि किसी को भी हमारे बारे में सच नहीं पता चलना चाहिए, ओके? पागल समझाया क्या उमर मुझे, नहीं बताऊंगी। अच्छा सुनो ना, नए झुमके दिला दो, ये वाले झुमके हर सूट के साथ पहन लिए मैंने। यार समामा कैसी बात कर रहे हो, अभी तुम्हारे सामने मैंने ये घर खरीदा है, काम में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें ये सब कुछ करके दूंगा, आई प्रॉमिस। वैसे गौहर आंटी ने जो बरी में ज्वेलरी दिखाई थी वो तो बहुत खूबसूरत थी। सारे सेट क्या तुमने महानूर को दे दिए या रानिया के लिए भी कुछ रखा? हाँ हाँ, रानिया के लिए तो बहुत सी ज्वेलरी जमा कर रखी है मामा ने, और उसके अलावा आई थिंक के दो सेट्स भी हैं जो मामा बड़े फ्रीक्वेंटली पहनती थी, लेकिन अब उनके दिल से उतर गया तो उन्होंने ऑलमोस्ट फेंक ही दिए, तो वो भी लॉकर में पड़े बाकी ज्वेलरी के साथ सड़ गए। तो ये है कि मेरा किसी भी दिन बैंक चक्कर लगा तो मैं तुम्हें लाकर दिखाता हूँ। सच उमर, तुम्हें पता है मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, अगर हम इस तरह कोर्ट मैरिज नहीं करते तो मुझे इस तरह घर से खाली हाथ नहीं भागना पड़ता। अच्छा अब सैड मत होना यार, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर लेकर जाऊंगा, और सिर्फ तुम्हारी मामा से ही नहीं तुम्हारे पापा से भी माफी मांगूंगा पक्का। बल्कि मैं तो ये ट्राई भी करूंगा कि मेरे मामा पापा भी राजी हो जाएं ताकि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए यार, वंस एंड फॉर ऑल। उमर तुम्हें पता है तुम ना बहुत अच्छे, अगर इस तरह हो गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी तो खत्म करनी है।
ये लीजिए चाय। इफ्रा, आपकी चप्पलें कहाँ हैं? ओ भाईजान, हमारी चप्पल टूट गई है, काफी बार जोड़ने की कोशिश की लेकिन। आप चाय पीजिए ना। और इफ्रा, तुम ये काम छोड़ना और अभी मेरे साथ मार्केट जाओगे तुम। वहां से एक क्या, दो तीन जोड़ी जूते खरीदने हैं तुमने। अब ये क्या बात हुई, अगर चप्पल टूट गई तो इंसान बता देता है, लेकिन तुम सिर्फ खामोश रहती हो। अब ऐसी भी क्या गैरियत हमारे साथ? जी ठीक है भाभी। अब ये क्या जवाब हुआ? वल्लाह, तुम्हारी इस खामोशी से मुझे कोफ्त होने लगती है, कुछ तो बोला करो। देखो जरा अपने भाई की तरफ देखो, क्या हालत होगी उनकी, तुम्हारे लिए परेशान रह रहे के वक्त से पहले बूढ़े लगने लगे। तुम छोड़ो छोड़ो और यहां आके बैठो, जल्दी आओ। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे या अपने भाई से कोई शिकायत है, कोई मसला है? नहीं भाभी, हमें आपसे या भाई जान से ही भला क्या शिकायत हो सकती है? नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है, तभी तो सारा सारा दिन तुम खामोश रहती, घर में बोर होती रहती। तुम्हारा कहीं आना जाना है, ना कोई सहेली है, ना मिलना जुलना है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब? और इफ्रा, आपका दिमाग सही है? खानदान वाले बातें बनाएंगे कि मां बाप के मरने के बाद हम दो वक्त की रोटी अपनी छोटी बहन को नहीं खिला सके। हम अभी जिंदा हैं, इफ्रा जॉब नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे खुलूस और मेरी नियत पर शक कर रहे हैं? मैंने तो इसलिए कहा कि सारा सारा दिन मैं ये देखती हूँ कि इफ्रा खामोश रहती, उदास रहती। से इफ्रा की ये उदासी देखी नहीं जाती? माशाल्लाह से आला तालीम याफ्ता, तो सिर्फ यही सोच रही थी कि घर बैठकर इफ्रा अपनी तालीम और अपनी सोच को जंग क्यों लगा रही है। बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, लोगों में घुलेगी मिलेगी, तो इसकी शख्सियत पर मुस्बत असर पड़ेगा। और आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? इफ्रा, क्या जो कुछ तुम्हारी भाभी ने कहा तुम भी वही चाहती हो? जी जी भाई, भाभी ठीक कह रही हैं। देखा देखा आपने, कहती थी ना, ना मेरा मशवरा गलत है और ना मेरी नीयत, लेकिन आप ठीक है गुड़िया, जिसमें तुम्हारी खुशी, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। चाय ठंडी हो गई।